उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आते ही शपथ लेने से पहले जनपद हापुड़ में भू माफियाओं के अवैध कब्जे पर चला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। तीरथ नगरी ब्रिजघाट में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से पहले ही नगर पालिका की जमीन पर भू माफियाओं के अवैध कब्जे पर तीरथ नगरी ब्रिजघाट में बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि ब्रिजघाट के महामृत्युंजय धाम व शनि मंदिर के पास भू माफियाओं ने अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर दी गई थी। वह सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के उठाए कदम से भू माफियाओं में खलबली। भारत की रफ्तार 24 के लिए संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। सरकारी जमीन है, इसमें भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इसकी मैंने शिकायत की साफर स्तर तक, जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने रिमाइंडर लगाए, आज इस पर कार्रवाई हो रही है और SDM साहब ने जो है यहाँ से वहाँ तक गिराने के आदेश दे दिए हैं। इस जमीन के पीछे मुझे EO राम सजीवन ने अपने ऑफिस में बुला के माँ बहन की गालियाँ भी दी। अभ्यास मेरा नाम है, मैं यहाँ महामृत्युंजय धाम का व्यवस्थापक हूँ, पुजारी हूँ और यहाँ पर जो आज वो माफियाओं ने ज़मीन में कब्जे कर रखे थे, योगी सरकार के आते ही उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि बाबा जी का बुलडोजर ब्रिजघाट में सबसे पहले सबसे पहले गुजरात ब्रिजघाट में गुजरा है और उसका परिणाम देखने को मिला है। कल अभी थोड़ी देर पहले SDM साहब आए थे और उन्होंने आदेश दे के गए हैं। वो एक जो है अवैध जो प्लॉटिंग बताई जा रही है उस पर सर कुछ कार्रवाई हुई है आपकी तरफ से, क्या कार्रवाई हुई है सर? नहीं, कोई अवैध प्लॉटिंग नहीं है। पलवाड़ा रोड पे ब्रजघाट पे 1575 नंबर सड़क के नाम से जमीन है, कुछ लोग उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे तो नगर पालिका की और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच करके नापी करा के उसको अलग करा दी और वहां बोर्ड गड़वा दी। ये सरकारी नहीं, किसी भी तरह का उस पर अतिक्रमण जो है वो अवैध है और कोई भी व्यक्ति यदि उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ। तो सर उन्होंने प्लॉटिंग जो है वो काफी समय से उसमें की हुई थी और कुछ चीजें संज्ञान में भी ये बताया जा रहा है सर? कुल 400 स्क्वायर मीटर की वो जमीन ही है, उसमें कोई ऐसी प्लॉटिंग नहीं हुई है, उसको अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, उसको हटाया गया था। तो अब सर इसमें आगे और कुछ भी कार्रवाई की जाएगी सर? अभी फिलहाल उनको हटा दिया गया है और सरकारी बोर्ड गढ़वा दिया गया है, यदि उसको कोई हटाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।